अंग्रेज लोगों की, इसके नीचे एक छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची, ये इतनी बच्ची इसके छोटी सी बच्ची, वो टांगे में वो आने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, वो बच्ची को बचाने के लिए, जैसा वो टांगे में उन्होंने देखा कि वो टांगा बहुत जोर में था, अगर वो लड़की को वो उठाते नहीं थे तो वो लड़की वो टांगे में आके मर जाती। तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में क्या था, उन्होंने क्या खरीदा था, मूर्ति थी, तो मूर्ति को डाल दिया नीचे और वो लड़की को दोनों हाथ से खींचा और जोर में पीछे ले लिया, तो बच्ची बच गई। टांगे में जाने जाते जाते वो बच्ची बच गई, उसको कुछ जख्म भी हुई नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, वो अच्छी के अच्छी वैसी के वैसी। उसके माँ बाप ने वो विनय को, विवेकानंद को, नरेंद्र को बहुत धन्यवाद दिया कि तूने बेटा इतनी कम उम्र में समझदारी रखकर मेरी बच्ची को बचा लिया। लेकिन वो घर को आए तो उनके पास क्या था मालूम था क्या आपको, मूर्ति थी लेकिन कैसी थी, वो नीचे पड़ने से क्या हो गई, टूट गई, फूट गई। तो टूटी फूटी मूर्ति लेकर वो घर को आए और रोने लगे। अभी उनको लगा कि अपनी माँ तो अपने को पीटेंगे अभी, क्योंकि मूर्ति लाने को भेजा था, मूर्ति फूट गई तो अपनी माँ क्या करेंगे, अपने को मारेंगे, अपने माँ बाप भी मारते कि नहीं, अपने को खड़ा करते मारते ना, गलती करते तो मारते है कि नहीं। तो उसकी माँ जैसे उसने माँ ने उसको देखा तो नरेंद्र की आंखों से पानी आने लगा, मतलब रोने लगी, बहुत रोने लगी। तो उनकी माँ ने उनको अपने पास लिया और बोला बेटा क्या हुआ, तो उन्होंने पूरा जो हुआ था बच्ची को बचाने में मैंने हाथ में की मूर्ति नीचे डाली और बच्ची को खींच के निकाल लिया, बचा लिया। तो उसकी माँ ने उनके पीठ को थपथपाया, उनको नजदीक किया, आपको पूछा और कहा कि बेटा तूने असली देवी को बचा लिया, ये तो मिट्टी की देवी थी, ये फूट गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तूने असली देवी को जिसमें सच्ची माँ का रूप है, सच्ची माँ का रूप रही थी कि नहीं, अपनी माँ का रूप रही थी कि नहीं देवी का। तो उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि तूने खरी देवी को, सच्ची देवी को बचा लिया, ये तो माटी की मूर्ति तो और लेके आएंगे बाजार से, लेकिन तूने मतलब उन्होंने क्या उनके बच्चे को सिखाया कि हर एक में भगवान का वास रहता है। कण कण में भगवान बोलते कि नहीं अपने तरफ, कह रहे ए राजा, कण कण में भगवान बोलते कि नहीं अपन। वो विवेकानंद ने क्या किया, इतने बचपन में छोटे से थे 8-10 साल के, वो बिले ने वो बच्ची को बचा लिया, तो उन्होंने वो सीख ले ली कि हर एक में भगवान का अस्तित्व है, तो हर एक का सम्मान करना चाहिए, हर एक से प्रेम करना चाहिए। तो इसी तरह से उन्होंने पूरी जिंदगी भविष्य में विवेकानंद बन के लोगों की सेवा, सहायता और धर्म के मार्ग में गुजार दी। कैसे लेके आपको कहानी, तो आपने क्या सीखा कहानी से, कौन बताएंगे मेरे को, कौन बताएंगे कहानी, विवेकानंद ने अपने को ये कहानी में से क्या सिखाया, क्या सीखा अपने लिए, क्या था आपको, क्या अच्छा लगा, क्या सीख मिली तुमको, हाँ आपको क्या अच्छा लगा होगा, क्या समझ में क्या आया, बोल ये कहानी सुनकर क्या समझ में आया।